हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बोपचे सर और आज लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि मैं कुछ टॉपिकों पर, अभी तक जितने टॉपिक हमारे इस फर्स्ट चैप्टर परमाणु संरचना से हो चुके हैं, सारे के सारे चैप्टरों पर मैं एक अच्छे से क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले इन सारे टॉपिकों पर कुछ अच्छे से क्वेश्चन, जो कि हमारे पीएटी 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा होगा और हम इन्हें कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा, ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे क्वांटम संख्या से हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हैं। तो देखते हैं क्या 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 क्वेश्चनों का समावेश हमने इन पहले इस आज की क्लास में किया है, और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे इंपॉर्टेंट टाइप के वो हम अगली क्लास में भी आके देखेंगे। तो आज देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा, अभी तक का जो आपने बेसिक से एडवांस लेवल तक पीएटी का जो पढ़ा है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा और बहुत ही मजा आने वाला आज की क्लास में, तो इसलिए बिल्कुल पूरा पूरा फोकस कीजिएगा। तो चलिए आते हैं बेटा आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एन इज इक्वल टू, क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है एन इज इक्वल टू थ्री, यहां से स्टार्ट है बेटा। एल बराबर है ना, एन बराबर तीन व एल बराबर, ये एल है बेटा है ना, एल बराबर एक, कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो बेटा आपको सबसे पहले मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं क्वांटम संख्या। तो एक बॉक्स बना लेते हैं और चारों क्वांटम संख्याओं को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो ये बेटा आपको चारों क्वांटम संख्या मैं आपको बताता हूं। एन था पहला, दूसरी थी एल, तीसरा था एम और चौथी क्वांटम संख्या थी एस, है ना? आपको याद आ रहा होगा, इसे एन से मुख्य क्वांटम संख्या। और बेटा यहां पर जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है आपकी, वो होती है एक, दो, तीन, चार, पांच, दिख रहा है बेटा है ना, पांच, छ, सात, आठ और सॉरी सात तक होती थी, अभी तक कितनी बेटा? सात है ना, सात तक अभी आपके पास है ना, ये आपको पता है कि अभी तक हमारे पास सात है, ठीक है? क्या है बेटा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है बेटा? आगे दूसरे आते हैं, द्विगंसी क्वांटम संख्या, और इसकी वैल्यू आती थी एस, पी, डी और एफ के लिए अलग अलग। एस के लिए कितनी आती थी बेटा? एस के लिए आती थी जीरो, इसके लिए आती थी एक, इसके लिए आती थी दो और इसके लिए आती थी तीन। अब बेटा यहां एम की अगर बात करें तो एम की वैल्यू होती थी, पी के, एस के लिए तो जीरो है ना, और पी के लिए बात करें तो पी के इसके तीन वैल्यू होती थी, और तीन वैल्यू क्या थी? तो ये थी माइनस वन, ये थी जीरो और ये थी प्लस, सॉरी प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ डी के लिए इसकी पांच वैल्यू होती थी बेटा, और पांच कौन कौन सी थी? तो यहां ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है बेटा। ये होती थी जीरो, ये होता था प्लस वन, ये प्लस टू, ये माइनस वन और ये माइनस टू। और एफ के लिए इसी प्रकार सात होती थी बेटा, तो सात वैल्यू कौन कौन सी थी? ध्यान से देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। तो बेटा ये होगी जीरो, ये होती प्लस वन, ये होती है प्लस, प्लस वन, प्लस टू, है ना? थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं तो और भी अच्छा हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर देखिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये हो गया जीरो है ना, ये हो गया प्लस वन, ये हो गया प्लस टू, ये हो गई बेटा प्लस थ्री, ये हो गया माइनस वन, ये हो गई माइनस टू और ये हो जाती है माइनस थ्री। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी प्लस और कौन सी माइनस में हो जाती है। आगे की ओर एक बार क्लियर नहीं दिख रहा हो तो यहां बता देता हूं, ये जीरो, ये प्लस वन, ये प्लस टू, ये प्लस थ्री, ये माइनस वन, ये माइनस टू और ये माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री है ना बेटा, माइनस थ्री। ये हो गई आपकी मुख्य, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और बेटा चौथी जो थी चक्रण क्वांटम संख्या, इसकी भी हमने दो वैल्यू पढ़ी थी। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा चक्रण करता है तो इसकी वैल्यू थी प्लस एक बटे दो, और उल्टा करता है तो माइनस एक बटा दो, ये वैल्यू हो गई। अब हम यहां देखते हैं, आते हैं फिर से पुनः हमारे क्वेश्चन पर। एल बराबर तीन व एल बराबर सॉरी एन बराबर तीन और एल बराबर एक,
कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बेटा ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, तो n बराबर मतलब n की वैल्यू तीन, मतलब यहां पर हमें अभी तीन, मतलब तीसरी कक्षा, ये बताता है कक्षा तीन का कोई भी होगा। कक्षा तीन में कौन होता है बेटा, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा, ये क्लियर है। अब बेटा इनमें से एक होगा तो आगे L पर आते हैं, L बराबर एक, और एक वैल्यू किसके लिए होती है बेटा, L की वैल्यू एक किसके लिए, L की वैल्यू है, L की वैल्यू एक P के लिए होती है, तो P, तो ये हो गया बेटा 3P, और 3P में कितने कक्षक होते हैं बेटा, तो तीन होते हैं। यहां पर बोला है कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपको पता होगा एक कक्षक में दो आते हैं और पी के तीन कक्षक होते हैं बेटा, तीन होते हैं, तो तीन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर वाला, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। जब भी एस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो हमें ये पूरा पूरा रिमाइंड होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, और क्या है दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो देखिएगा, क्वांटम संख्या एन बराबर तीन, एन बराबर तीन, एल बराबर दो, एम बराबर जीरो के लिए अधिकतम अभी निर्धारित कक्षकों की संख्या होगी, अभी निर्धारित कक्षकों की संख्या होगी। तो बेटा फिर से ये देखिएगा, यहां पर एक बार क्वांटम संख्या का रिमाइंडेशन कर लीजिए, समझ लीजिए, और आगे की ओर आ जाइए और देखते हैं। क्वांटम संख्या एन बराबर तीन, एन बराबर तीन की बात है बेटा, तो यहां पर तीसरी कक्षा में कौन कौन होता है, 3s, 3p और 3d हो सकता है। m, l बराबर एक, मतलब ये होगा p, मतलब 3p हो जाएगा बेटा, और m बराबर जीरो, मतलब p के तीन डिब्बे, और तीन डिब्बे में ये वाला होता है जीरो, के लिए अधिकतर अभिग्रहित कक्षकों की संख्या होगी, अधिकतर अभिग्रहित कक्षकों की संख्या होगी। कितनी कक्षकों की संख्या हो सकती बेटा यहां पर, अधिकतम अभिग्रहित कक्षकों की संख्या, क्वांटम संख्या n बराबर तीन, ठीक है, पहली चीज, m बराबर, l बराबर एक यानी 3p, m बराबर जीरो के लिए अधिकतम अभिग्रहित कक्षकों की संख्या एक होगी केवल, क्योंकि एक ही कक्षक को यह दर्शाता है, इसलिए यहां एक होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको घुमाने के लिए देता है ना, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, समझिएगा, अच्छे से फोकस कीजिएगा, समझ में आया हो तो बताइएगा, दिक्कत हो रही हो तो भी बताइएगा। जैसे मैंने यहां पर बताया, जीरो ये होता है माइनस वन, ये होता है प्लस वन, तो ये सॉरी प्लस वन, तो ये आपका जो है ये जीरो को शो कर रहा है, दर्शा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है ना, इसलिए यहां पर ये प्लस वन, तो ये जीरो केवल एक कक्षक को शो कर रहा है, क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। टाइटेनियम दिमाग में ला लो, टाइटेनियम है ना, स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, याद आ गया होगा बेटा। आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक का 3D श्रेणी का दूसरा तत्व है टाइटेनियम, टाइटेनियम है ना 22, ठीक है। टाइटेनियम परमाणु में दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, अगर इसका जेड का मान भी दे दिया बेटा, परमाणु क्रमांक भी 22 दे दिया है। अब मैंने आपको बताया था आफ बाहू का नियम, क्या बताया था बेटा, आफ बाहू का नियम, क्या बताया था, आफ बाहू का नियम पढ़े थे बेटा, आफ बाहू का नियम। इस नियम में हमने क्या देखा था बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन भरने का एक व्यवस्थित क्रम मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अच्छे से है ना, पूरी पूरी बातें मैंने वहां आपको क्लियर कराई थी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं 22 वाला टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितने हो गए बेटा, 2, 2, 4, 6, 10, 12 और 18, और फिर बेटा आगे आ जाएगा 3p6 4s, क्या कहा बेटा, 4s आ जाता है इसके बाद, है ना, आप देखते जाएंगे। आपने क्लास अगर अटेंड की है पिछली वाली तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा, अगर नहीं की है तो पिछला वीडियो कृपया देखिएगा और आगे आइएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कैसे 3d के बाद। हाँ, मैं आपको ऊर्जा के क्रम में बता रहा हूं, इसलिए आप ऐसे भी यहां पर ऊर्जा को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ये इसकी ऊर्जा है। हाँ अभी पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ऊर्जा दर्शाएंगे। 4s के बाद बेटा आता है 3d, और बेटा कितने यहां तक हो जाते हैं 20, तो यहां पर 2 22 कितने होंगे बेटा 2 3d 2 22 ये हो गए 3d 2 तक। अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा ऊर्जा के क्रम पर, तो ऊर्जा का क्रम इसकी ऊर्जा इससे अधिक, इसकी ऊर्जा इससे अधिक, इसकी ऊर्जा इससे अधिक, इसकी ऊर्जा इससे, ये और ये ऊर्जा का क्या है बेटा, ये बढ़ता क्रम, क्या है बढ़ता, बढ़ता क्रम, क्या है बेटा बढ़ता क्रम, ठीक है समझ में आ रहा होगा, ये बढ़ता क्रम है ना, तो बढ़ते क्रम में ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन में, तो यहां बेटा देखिएगा क्या क्या ऑप्शन से स्टार्ट है, 3s 3s 4s से स्टार्ट है, तो ये तो देखिए ये उल्टा पुल्टा हो गया, यहां देखिएगा ये उल्टा पुल्टा है, तो पहले ही गलत दिख रहा है बेटा, 3s 3s 3p ये भी गलत है बेटा, यहां 3d पहले गलत, ठीक है 3s है ना, इससे चेक कर ले, पहले वाले को चेक कर लेते हैं, 3s 4ab ये भी रॉन्ग है बेटा, यहां पर डिफरेंस है, ये पहले डाल दिए, ये देख लेते हैं, अब तो देखो तीन गलत है, ये ठीक ही होगा, देख लेते हैं एक बार फिर भी चेक करके, 3s 4 3p 4s 4d ठीक है 3d ठीक है बेटा, ये आपका राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है, ये आपका राइट है, ठीक है समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, समझ के बना रहे हैं, पूरी पूरी जीरो से लेकर के 100% तक समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है आगे की ओर देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं एन एल एम तथा एस का कौन सा संघ, क्या है बेटा कौन सा संघ तरंग तरंग समीकरण की उचित हल नहीं है, तरंग समीकरण का उचित हल नहीं देता, नहीं देता। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले क्वेश्चन समझ के जब तक समझेंगे नहीं तब तक बनने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है तो इस बात का ध्यान देना है, इस बात पर ध्यान देना है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं एन एल एम तथा एस का कौन सा संघ तरंग समीकरण का उचित हल नहीं है, तरंग समीकरण का उचित हल नहीं है बेटा, ठीक है ध्यान से देखिए। अब बात हमने अभी तक क्वांटम संख्याओं की कर लिया, पहले मैंने आपको यहां दिखा दिया कि क्वांटम संख्याएं क्या है, ये है अपनी है ना, अब इन क्वांटम संख्या को अगर हम यहां पर ले आए, ठीक है फिर से ले आए देखते हैं, ये देखिएगा क्वांटम संख्या हमारी ये थी, ठीक है बेटा ये थी हमारी क्वांटम संख्या है। इस क्वांटम संख्या को एक बार फिर से देख लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो, अब फिर से लेके आता हूं आपको अपने क्वेश्चन पर, तो आते हैं बेटा क्वेश्चन पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है क्या सही हल है, तो अब देखते हैं क्वांटम संख्या में, अभी हमने पढ़ा था एन बराबर तीन, क्या बेटा एन बराबर तीन मतलब क्या होगा, तीन मतलब यहां या तो 3s होगा या 3p होगा या 3d होगा, ठीक है अब 3d होगा, और l के मान जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, s के लिए है ना, s के लिए 0 होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, तो यहां 2 दिया है पर प्लस 2 तो इसका मान होता ही नहीं है बेटा, तो ये तो आपका पहले ही रॉन्ग हो जाता है, ठीक है आगे यहां प्लस होता ही नहीं क्योंकि प्लस माइनस तो m में होता है, तो ये तो आपका गलत है। दूसरा उचित हल नहीं है बोला है ना, नहीं है कि है ना, उचित हल नहीं है, है ना, नहीं है का मतलब उचित हल नहीं है, ठीक है नहीं है और है, ठीक है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ना, है नहीं है, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि यहां पर अगर प्लस टू, एक मिनट बेटा थोड़ा और भी इसे तरीके से करते हैं, समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उचित हल नहीं है तो बेटा यहां पर देखिए ये तीन ऑप्शन है, अभी करते हैं यहां पर इसका मान, मैंने बोला एल के मान यहां पर 0, इसका मान यहां पर 1, इसका मान यहां पर 2 होता है, ठीक है अगर इसका मान, मान दो बाय द वे अगर 2 हो जाता है तो इसका मान 2 होगा तो ये डी का होगा, किसका होगा डी का होगा, प्लस हो सकता है अगर मान भी ले, क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस 2 है ना, 2 को प्लस लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो यहां पर अगर 2 होगा तो एम का इसके लिए मान 1 होगा, क्या हो सकता है 1 है ना, अगर डी हो तो 1 हो सकता है, और यहां पर भी ये प्लस 1/2 हो सकता है, देखते हैं अभी, ये तो क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। दूसरा बेटा यहां पर एन बराबर तीन, फिर से कंडीशन यही, एल बराबर 1 मतलब पी के 3 डिब्बे होते हैं बेटा, 3 डिब्बे होंगे
तो यहां पर एक प्लस वन होता है, यहां पर माइनस वन होता है, ये जीरो होता है, हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर बेटा ध्यान दें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर n बराबर तीन, क्या है बेटा n बराबर तीन है, n बराबर तीन, l बराबर भी तीन, मतलब f की बात कर रहा है, सीधी सीधी बात है, f की बात हो रही है, एक दो तीन चार पांच छह सात होंगे, और यहां प्लस वन m का मान, m का मान प्लस वन, ठीक है प्लस वन, और यहां पर माइनस एक बटे दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक क्या बोल रहा है, उचित संग तरंग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एस का कौन सा संग तरंग समीकरण का उचित हल नहीं देता। बेटा पूरा पूरा मैं स्क्रीन पर ही करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, हम भी यही बिल्कुल क्लियर करते हैं क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तरंग समीकरण का उचित हल नहीं देता, ठीक है, नहीं देता तो कौन सा हल होगा। पहले तो क्वेश्चन बहुत ही माइनर ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है, n बराबर तीन, l बराबर दो, m बराबर माइनस दो और s बराबर प्लस एक बटे दो, ये वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार कि ये क्या है, फिर हम क्लियर करेंगे आगे। तो यहां पर भी तीन मान है, l का मान दो, l का मान कितना बेटा दो, दो मतलब यहां पर बात आ गई दो मतलब d की, d में कितने बेटा है ना थ्री डी, डी में कितने पांच, ये पांच हो गए, 3d में पांच हो गए, तो पांच और पांच में ये होता है जीरो, ये होता है माइनस वन, ये होता है माइनस टू, ये होता है प्लस वन, ये होता है प्लस टू, ये भी यहां तक क्लियर है, ठीक है। माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, तो यहां तो ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक थोड़ी है ऑप्शन में, कि सारे के सारे हल हमारे कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं, है ना, फिर भी कहीं ना कहीं उचित हल नहीं देता, नहीं देता, देता बोलता तो सारे दे रहे हैं, ठीक है, नहीं देता। तो यहां पर कौन सा ऐसा हल है जो कि ऑप्शन हमारा नहीं देता, तो एक तो पहले वाले में समस्या आ रही थी हल्की सी, है ना, बाकी दूसरे वाले में देखें तो दूसरे में अगर देखें तो n बराबर तीन, l का मान एक है, है ना, l का मान एक है, m का मान भी एक है, तो m के देखो बेटा इसके प्लस माइनस में होते हैं, आपको पता है m के मान प्लस माइनस में होते हैं, l के मान प्लस माइनस में नहीं होते, तो अगर इससे हम कट कर दें क्योंकि यहां प्लस दिया है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें एल का मान एक मतलब पी कक्षक की बात है, तो यहां आना था प्लस एक, तो ये से भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहां देखें बेटा, अब ये दो ऑप्शन हमारे बच जाते हैं, यहां पर अगर यहां पर हमारा प्लस वन दिया है और यहां पर दिया है माइनस वन, मतलब यहां कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, थ्री है, थ्री है, प्लस वन, ये तो बिल्कुल पूरा पूरा सही है बेटा कि यहां पर प्लस वन है, यहां पर तीन दिया है, तीन है, एफ का है, प्लस वन होता है, माइनस एक बटे दो, तो इधर तो होता ही है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका माइनर मिस्टेक है, यहां वन होता तो वन हो जाता, तो हाँ यहां वन होगा बेटा, वन होगा तो क्या होगा कि यहां पर आपका दो डी में, अगर यहां पर देखेंगे डी में, अगर यहां पर अगर हाँ यहां वन होगा बेटा, यहां ऑप्शन में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है ना बेटा, यहां पर वन होगा, यहां पर वन है शायद, तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका अगर टू भी देता है तो, क्योंकि डी में है ना, यहां पर P में, यहां पर अब D नहीं होगा बेटा, यहां हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P, यहां पर हो जाएगा P, अब देखिए अब समझ में आपको ये क्लियर आ जाएगा, तो यहां देखिएगा ये हो जाएगा तीन और ये होगा P, थ्री P, और यहां पर इसके जीरो, ये होता है माइनस वन, ये होता है प्लस वन, तो बेटा यहां पर अगर ये वन होता तो ये होता P और यहां पर माइनस टू होता ही नहीं, और नहीं होता तो ये भी हल आपका नहीं देगा। तो अब उचित हल नहीं देते तो ये सारे नहीं देते, यहां पर देता की बात आएगी, है ना, उचित हल देता है अगर बोले तो देता है होना चाहिए, ठीक है, देता है अगर बात आएगी तो आपका यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला आंसर, सॉरी थर्ड वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आंसर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर टू क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, है ना, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, बेटा यहां अल्फा आएगा, ये थोड़ा सा यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझते हैं, टाइपिंग मिस्टेक यहां पर भी थोड़ी सी है, तो बेटा ध्यान से समझे, अल्फा कण क्या आएगा बेटा, अल्फा कण पढ़े ना हमने, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा लिख दिया बेटा मैंने, अल्फा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन
प्रयोग ने सिद्ध किया कि परमाणु रखता है, परमाणु रखता है। अब परमाणु रखता क्या है? इलेक्ट्रॉन रखता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रखता है, नाभिक रखता है, कक्षक रखता है, क्या रखता है? हमने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में पढ़े थे कि परमाणु का एक बीच का भाग होता है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, उसे नाभिक कहते हैं। तो बात यहां पर क्लियर हो जाती बेटा कि यहां क्या आने वाला है, आपका नाभिक आंसर आने वाला है। ये तो क्लियर था, थ्योरिटिकल प्रश्न था, समझ में आपके आ गया होगा। आगे की ओर आते हैं बेटा, अगले प्रश्न पर। क्लोरीन माइनस आयन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्लोरीन माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या पढ़ाया था? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस सम इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक में हमने पढ़ा था बेटा कि जब भी कोई परमाणु जैसे एक्स है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये पूरी पूरी बात आपको वहां पता है, और जिस पर जितना चार्ज लगा होता है वो उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो क्लोरीन, अगर मान के चलिए क्लोरीन ने, क्लोरीन 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है तो पता ही आपको, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक जोड़ देंगे तो ये बन गया क्लोरीन माइनस, मतलब 17 और एक कितने हो गए बेटा 18, मतलब आपका उत्तर हो गया सी। समझ में आ गई होगी बातें बेटा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा। निकिल परमाणु न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, निकिल का परमाणु क्रमांक भी दे दिया 28। निकिल कितना होता है बेटा? 28 होता है। अब निकिल में बोल रहा है, निकिल परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा डायरेक्ट अगर बाह्यतम कोष का करें तो 3d8 4s 2 होता है, 3d8 4s 2। बेटा 3d के डिब्बे बना लेते हैं तो हमें क्लियर एशन हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 यहां पर इलेक्ट्रॉन और यहां पर ये बेटा 4s, क्या बना लिया 4s। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब बेटा यहां पर 2 है तो 1 2, अब देखिए कितने बच गए अयुग्मित, 2 बच गए अयुग्मित, समझते हैं ना, जिसका जोड़ा नहीं होता ये अयुग्मित, तो ये बेटा 2 अयुग्मित, अयुग्मित कितने बच गए, 2 बच गए, तो ये 2 आपका आंसर आ जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है इसकी निम्नतम अवस्था में। समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल है ना, ये तो समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। अब बेटा सबसे पहले दिया क्लोरीन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, क्लोरीन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक 17 होते हैं और यहां है कितने, पहले देखो 1 2 2 4 6 10 2 12 12 13 14 15 16 17 18 दिए बेटा, पूरे टोटल कितने 18 हैं, तो 18 तो इसमें निम्नतम अवस्था में नहीं होते। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित में भी जाएगा तो 17 ही रहेंगे ना इसके, तो आर्गन की उत्तेजित अवस्था, आर्गन में बेटा होते हैं 18, आर्गन AR में होते हैं टोटल 18, उत्तेजित होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, हो गए बेटा 18। अब यहां 4s क्या आता बेटा, 0, क्या आएगा 0, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सी अवस्था बोला है, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में ये अगर उत्तेजित होगा तो अपने पास वाले किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां इसका ये भी तो हो सकता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5 और 4s 1, उत्तेजित होकर एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो हमारा आंसर ये सही होगा। आगे भी देख लेते हैं कि दूसरा भी तो नहीं हो सकता, क्लोरीन परमाणु की उत्तेजित अवस्था में, क्लोरीन परमाणु के पास होते तो बेटा 17 ही है, उत्तेजित भी होगा तो किसी को देगा 17 ही होंगे, 18 इसके पास हो ही नहीं सकते। पोटेशियम के निम्नतम अवस्था में, पोटेशियम के पास 19 होते हैं बेटा, तो इसका भी काम नहीं हो सकता, काम आएगा आर्गन 18, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे की ओर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि हम समझने वाले हैं, देखते हैं क्या है, पढ़िएगा क्वेश्चन। कोबाल्ट परमाणु क्या दिया है, कोबाल्ट परमाणु, परमाणु संख्या कितनी होती है कोबाल्ट की, 27। कोबाल्ट परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कोबाल्ट परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा संख्या है, कोबाल्ट होता है बेटा 27, कोबाल्ट दिया है 27, CO कोबाल्ट 27, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष का डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे वाले इसमें, तो बेटा 3d7 4s2, ठीक है, ये मुझे याद है, आप लोग भी
डायरेक्ट निकालना सिखाया है मैंने, सिखा दूंगा और एक बार अगर दिक्कत हो रही है तो, है ना, बट मैंने इसे बताया है कि कैसे होता है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट भी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 3D 7 4S 2, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, डिब्बे बना लेते हैं बेटा, 3D के बना लेते हैं, पांच होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, और बेटा 4S ये बना लिया हमने, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, यहां 1 और यहां 2। अब बेटा कितने अयुग्मित, 3 अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनके जोड़े नहीं बने वो अयुग्मित, तो अयुग्मित की संख्या कितनी, 3, तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं। बोर मॉडल पढ़ा था, बोहर का मॉडल, बहुत मजेदार तरीके से, बोहर का मॉडल, है ना, तो बोहर परमाणु, बोहर मॉडल स्पष्ट कर सकता है, बोहर के परमाणु मॉडल में हमने उसके मूल अभिग्रहित पढ़ा था बेटा, सीमाएं पढ़ी थी, दोष पढ़ा था, पूरी बातें आपको पढ़ा था मैंने, अगर नहीं पता तो फिर से मैं बोलूंगा कि पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी क्वेश्चन करने का ज्यादा से ज्यादा मजा आता है बेटा, तो ठीक है देखेंगे, फिर भी समझते हैं आगे, है ना। सौर स्पेक्ट्रम बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम था, पर देखते हैं आगे, फिर भी केवल एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन आयन या परमाणु वाले स्पेक्ट्रम, बेटा ये बोला था मैंने, आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसके सीमाओं में बताया था कि बोहर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन या परमाणु का स्पेक्ट्रम देता है, बाकी का दो वाले इनका नहीं देता था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। आगे की ओर बढ़िए और आते हैं NaCl, NaCl के एक अणु में प्रोटॉन की कुल संख्या है बेटा, NaCl है ना, आपको पता है Na और एक दिया है Cl, Na कितना होता है बेटा, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम, और क्लोरीन का होता है बेटा, क्लोरीन का होता है 17, कितना होता है 17, 11 प्लस 17 जोड़ लें, 11 17 7 और 1 8 और 2 कितना आया बेटा 28 टोटल, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, प्रोटॉन मैंने बताया है आपको पहले भी, प्रोटॉन क्या बताया है, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती, क्या होती बेटा, परमाणु क्रमांक होती है, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, किसने बताया था बेटा, मैंने बताया था, कब बताया था, इसके पहले की क्लास में, तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखिएगा, और मैंने एक बात ये भी बोला था, उदासीन परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती बेटा, परमाणु क्रमांक होती है, ये बात हमने पहले की थी, और इसी आधार पर हमने यहां पर जोड़ा, NaCl के एक अणु में सोडियम होता है 11 और क्लोरीन होता है 17, दोनों को जोड़ते होता है 28, इसलिए हमारा उत्तर होगा बेटा डी, कितना हो जाएगा डी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, हल कर रहे हैं, पूरी एक बातें भी बच्चा मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूं, है ना, तो ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस जो क्लासेस हमने पूरी की है, जिसमें हमने पूरा बेसिक किया है इसका, उसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा मजा आएगा करने का, और नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ उतने आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इसलिए कृपया कर पिछली क्लासेस को बहुत ध्यान से देखिए, तो और भी ज्यादा आपको क्वेश्चंस को हल करने का एक आधार मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आगे की ओर आते हैं, फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि क्वेश्चन को यहीं पर क्लियर कर दूं, है ना, ठीक है, फिर भी कुछ बेस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा शॉर्टकट कर दिया, तो करना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी हम पूरा बताएं, आपबाव नियम को भी पूरा बताएं, तो फिर प्रीवियस क्लास का कोई मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आगे की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है,
चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती बेटा, क्वांटम संख्या में हमने देखा था कि चारों क्वांटम संख्या के बारे में कौन कौन क्या क्या बताती है। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। तो मुख्य क्वांटम संख्या बेटा बताती है इलेक्ट्रॉन की दूरी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, है ना, नाभिक से दूरी भी बताती, नाभिक से दूरी बताती है, साथ में ऊर्जा को भी बताती है। किसको? ऊर्जा को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये कक्षा के बारे में मेन बताती है। ये है एल जो बताती है उपकोष के बारे में, है ना, उपकोष की ऊर्जा, उपकोष की ऊर्जा के बारे में और कोणीय संवेग के बारे में, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में भी बताती थी। ठीक है, ये जो थी एम, ये है कक्षक के लिए ज्यादातर, है ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को भी बताती है, विन्यास को भी बताती है, साथ साथ कक्षक के, है ना, कक्षक के, कक्षक की दिशा किसको बताती है बेटा, कक्षक की दिशा को भी बताती है। और ये जो थी एस, ये बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, चक्रण को बताती है, मतलब चक्रण को बताती है, मतलब कि अगर मैंने बताया था आपको, अगर सीधा करता है तो प्लस एक बटे दो, उल्टा करता है तो माइनस एक बटा दो। ठीक है, क्लियर है, ये तो हमको पता है सर। तो फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती कक्षकों का आकार, कक्षकों की आकृति, कक्षकों की दिशा, कक्षकों की नाभिक की दिशा। तो बेटा क्या बताती है, कक्षकों की दिशा। ठीक है, क्लियर हो गया, कक्षकों की दिशा बताती है। आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि कैसे हमने किया था। तो हमने इसके लिए एक लिखा था बेटा नियम 1s2 2s2 2p, है ना, 1s 2s 3s 4s 4s 5s 6s 7s और यहाँ लिख दिए थे 8s और ऐसा मारे थे इस पर कट। फिर मारे लिखे थे बेटा यहाँ से 7p 6p 5p 4p 3p और 2p। फिर बेटा यहाँ लिखे थे हमने, यहाँ लिखे थे आगे 6d 5d 4d 3d। ठीक है बेटा, जिसने नहीं देखा है एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। और यहाँ लिखा था हमने 4 5f और यहाँ लिखे थे बेटा 4f। अब इसके बाद बेटा हमने क्या बताया था, ऊर्जा का क्रम कैसे होगा, ऐसे चलना था हमें, ऐसे चलना था हमें, ये प्रोसेस थी पूरी हमारी चलने की। ठीक है, ये प्रोसेस में हम बेटा आगे की ओर बढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, ये ऐसा हम आगे की ओर बढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में यहां आ रहा होगा थोड़ा आपको, समझ में यहां आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। यहां पर क्या है, 4f है और ये यहां पर, ये यहां पर, ये आपका ऐसे यहां ऊर्जा का क्रम है, मतलब 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, है ना, फिर 3d10, यानी ये क्रम आपका पूरा चलते रहता है ना। अब यहां ध्यान दे कि 1s2 2s2 1s2 2s2 दो दो चार और 2p4, यानी यहां तक आठ, यहां तक आठ। ठीक है, 1s2 2s2 2p4, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन आठ। क्या बोल रहा है आगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो बेटा बस कुछ नहीं, अंतिम वाले को पकड़ना है, क्योंकि यहां पर तीन है, 2p, p में कितने बेटा, तीन, तीन, तीन में कितने, तो चार, तो एक 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 दो तीन चार, कितने बेटा, अकेले 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 कितने, दो, तो दो ही क्या है यहां पर अयुग्मित, मतलब उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा आंसर, फर्स्ट। तो ये आपका फर्स्ट वाला आपका आंसर है। ठीक है बेटा, बाकी रॉन्ग होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, निकील 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। तो बेटा सबसे पहले तो यहां पर मैंने आपको जो सम इलेक्ट्रॉनिक वाली प्रोसेस बताई थी वो करना है। कैसे करेंगे बेटा, तो निकील होता है बेटा 28 होता है, इसने निकील 2+ बनाया। क्या बनाया बेटा, निकील 2+ बनाया, तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन। तो 28 मैंने बोला था उदासीन में होते हैं, तो दो दे दिए, तो निकील 2+ के पास बचे कितने बेटा, 26।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 6, है ना। वैसे तो होगा पूरा 8 बेटा, भी 8 होगा है ना, फिर 6 होगा, तो ये 8 हो गया सामान्य। क्या होगा बेटा ये सामान्य, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दो त्याग दिए तो बताइए, दो त्याग दिए, ये 4s है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम बेटा ये ऐसे है। अब आपके दिमाग में ही आ रहा होगा बेटा कि दो त्याग दिए तो यहां से त्यागेगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा अंतिम में अभी, पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है बेटा, परमाणु का नाभिक, ये नाभिक अगर ये है तो सर्कल आपको पता है ऐसी होती है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती है वृत्ताकार, ये कक्षाएं होती है वृत्ताकार। यहां इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं यहां पर, और ये ऐसे ऐसे है ना, ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब मैंने बताया बेटा आपको, ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे, ये एक कक्षा और बना दिया मैंने। अब बेटा यहां पर देखें, ये कक्षा है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 4। अब यहां पर बेटा ये जो 3d है, 3d यहां है और 4s यहां है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कक्षा से निकलता है। जब भी कोई त्यागता है इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा से त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागेगा, 4s से। कितने त्यागेगा बेटा, तो कितने त्याग रहा है ये, तो दो, तो दो त्यागेगा, तो यहां पर जो होगा आपका इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकिल 2 प्लस का अगर हम लिखते हैं तो 3d 8 4s 2 लिखते हैं। अब ये दो तो गए तो इसका, सॉरी अभी ये निकिल, निकिल जो होगा बेटा यहां ये सामान्य है, हाँ। अब निकिल 2 प्लस का अगर लिखते हैं तो निकिल 2 प्लस का होगा तो 3d 8 हो जाएगा बेटा और 4s 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं 3d में, तो 3d में देखिएगा बेटा 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बच गए बेटा अयुग्मित, 2। तो यहां पर ऑप्शन है हमारा, पहला ही उत्तर हमारा मिल गया। तो समझ में आपके आ गया होगा बेटा, पूरे तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस कक्षा का है, तो बाह्यतम कक्षा, ये कक्षा में बाहर ये है और अंदर ये हो जाएगा, पर ऊर्जा में इसकी ज्यादा अधिक है, इसकी कम है, ठीक है। ये एक ऊर्जा एक अलग सिस्टम है और इलेक्ट्रॉन निकालना एक थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाता है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान आपको देना है कि कहाँ का इलेक्ट्रॉन, तब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पता चलेगा, और नहीं तो अभी हमारा आंसर गलत हो जाता। अगर हम यहां से निकालते दो बेटा, तो यहां से अगर दो निकालते तो यहां 1 2 ये दोनों गायब हो जाते हमारे, तो हमारे पास आंसर आ जाता 4, जो कि हो जाता गलत और यहां ऑप्शन मिलता ही नहीं। और यही गलती बहुत सारे लोगों से हो जाती है कि हम बाहर से निकाल देते और कितने हो जाते, यहां भी ये भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, ये तो पूरा ही रहता, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास यहां पर हो जाते गड़बड़ काम। जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा था, बताते समय मैंने भी यहां देखो 6 लिख दिया था, तो 6 वहां नहीं आएगा, यहां के 2 गायब होंगे तब जाके काम बनेगा। ये बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है बेटा। आगे और भी देखते हैं एक क्वेश्चन, चलिए चलिए अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्या है, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है बेटा। क्लोरीन परमाणु की बात हो रही है, किसकी हो रही है, क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन होता है बेटा 17, कितना होता है 17। यहां पर क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं बेटा 1s2 2s2 है ना, आपको आता है तो आप भी साथ साथ कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको भी आना चाहिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको भी आना चाहिए, 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6 कितने हो गए बेटा 10 और 2 12 18 हमको चाहिए, कितने क्लोरीन 17, यानी 1 कम करना बेटा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं लिखते 3s 3p, एक डिब्बा s का, 3 डिब्बे p के, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 1 2 1 2 3, कितने बेटा 4 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब आगे क्या, तो हमको निकालना है क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है, 4 में पहली n, दूसरी
एल, तीसरी एम, चौथी एस। अब बेटा अंतिम वाला है तो अंतिम तो देखो सीधा रोटेट कर रहा है तो लिख देते हैं प्लस एक बटे दो, प्लस एक बटे दो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं, एम के मान पर आते हैं, तो एम का मान तो अभी यहां से देखें, जो दिखता है वही होता है, जो दिखता है वो बिकता है, मतलब एन का मान दिखता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में एन का मान दिखता है, तो एन बराबर तीन, ये जो तीन है तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा मतलब एन का मान। अब बेटा यहां पी है और पी का मान आपको याद होगा है ना, जीरो एक दो तीन, जीरो एल का मान क्या है, जीरो एक दो तीन, दिखाता हूं ध्यान से देखिएगा, ये हमने किया था बेटा, और यहां पर देखिए तो ये एल के मान लिखे जीरो एस वन पी टू डी, और थ्री किसके लिए होता है, एफ के लिए होता है। फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। तो बेटा यहां पर आपको पता है कि जीरो किसके लिए होता है, एस के लिए, तो पी के लिए कितना होता है एक, ठीक है बेटा। अब एम की बात करूं तो एम के लिए तीन मान हो जाते हैं, जीरो प्लस वन माइनस वन, तो ये प्लस वन का है तो यहां आ जाएगा प्लस वन। ये आपकी चारों क्वांटम संख्या निकल कर आ गई। क्या ऐसा कोई मान यहां है, क्या ऐसा कोई मान यहां है, तो ये देखो एन का मान तीन, एल का मान वन और एम का मान जीरो। गड़बड़ है बेटा, है ना, क्या बोल रहा है, क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है, ठीक है, क्वांटम संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या है, तो ये तो ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा। एक मिनट, 2p है कि 3p है, एक मिनट, गड़बड़ ही क्या हो गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ठीक तो है ना। अब यहां पर देखें तो यहां पर अपना क्या, यहां तो 2 हो ही नहीं सकता, यहां देखते हैं बेटा इसमें, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, या तो ऑप्शन गलत होगा है ना, हमने तो पूरा सही निकाला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अंतिम में है क्लोरीन परमाणु का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में तीन, यहां पर एक, यहां पर प्लस एक और वहां प्लस एक बटे एक, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहां ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा, यहां पर जीरो, यहां पर ये ठीक था, यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है बेटा, यहां आएगा लगभग प्लस एक, तब जाके कहानी यहां पर बनेगी, तब कहानी बनेगी, नहीं तो कहानी बन ही नहीं सकती, क्योंकि 1s2 2s2 यहां तक बेटा हो जाते हैं 10 और यहां हो गए 12 और ये 5 17, ठीक है ये तो 17, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यही अंतिम में है, और अंतिम वाले के लिए m का मान जो होता है वो प्लस 1 ही होता है, और प्लस 1 होता है तो कोई इसमें बदल भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, या ऑप्शन गलत दिया हो, ये भी हो सकता है। तो यहां आपका जो आंसर होगा, ये देखिए बेटा यहां वन और यहां हो जाएगा प्लस वन एम की मान, और ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी बात आपको समझ में आई होगी, पूरे पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे करना है, क्या करना है, अगर कुछ गलत हो जाए तो कैसे पता करें, ये सारी की सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में पूरा पूरा दिया है। अगर क्वेश्चन आपको समझ आए हैं, क्वेश्चन अच्छा लगा, पूरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबके अपने अपने साथ अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए, और पीएटी 2024 में शामिल हो जाइए, और देखते हैं कि कितना अच्छा स्कोर हम आपका ले आते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आंखें मिलेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ, और इसी यूनिट पर करेंगे कुछ मजेदार क्वेश्चनों के साथ बात, ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं पर समाप्त होती है आपकी क्लासेस।